ठीक है इंजीनियर, इसका हमने एक और पार्ट बना लिया है जो कि अपलोडेड है यूट्यूब में। ये इसका सेकंड पार्ट होगा। देखिए लेआउट प्लान डिटेल्स ऑफ फ्लोरिंग विद इन बिल्डिंग ऑफ मेन बिल्डिंग, ठीक है। इसका जो टोटल बिल्डिंग एरिया उसमें उसका एक मेन बिल्डिंग वाला स्ट्रक्चर ये रहा अपना, और ये बन रहा था विलाज स्टील प्लांट में। तो ठीक है, इसमें देखते हैं सबसे पहले टिपिकल डिटेल्स ऑफ फ्लोरिंग। देखिए फ्लोरिंग का डिटेल्स देखते हैं। देखिए सर, सबसे पहले 1 2 3 4 लेवल में 1 2 3 4 और 5 पांच लेवल में ये अपना फ्लोरिंग का डिटेल्स है। देखिए ये पहले में आ रहा है वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल, उसके बाद अपना आ रहा है मुरियम 230 का और PCC M10 ये रहा अपना, और उसके ऊपर आ रहा है 100 RCC में रेनफोर्समेंट भी आएगा, और उसके ऊपर फ्लोर फिनिशर्स पर जो अपना टाइल्स है जो भी है वो यहाँ आने वाला है। और ये लेवल रहेगा प्लस माइनस 0.00, और ये वाला लेवल में रहेगा माइनस 0.250। अलग अलग लेवल में अलग अलग टाइप का फ्लोरिंग है। देखिए सर, इसमें भी सेम है कॉम्पैक्टेड सॉइल, उसके बाद बोल्डर सॉइलिंग, इसमें मुरू माना था इसमें बोल्डर है, और ये PCC M10 आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 8 mm 200 सेंटर टू सेंटर बोथ वे 12 आ रहा है इसके बाद, और उसके बाद RCC M20 दिख रहा है, ठीक है 150 थिकनेस, यही सेम चीज़ है। और उसके बाद ये वाला अपने को दिख रहा होगा, और इसमें तो कुछ है नहीं। इसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीज़ें, तो देखते हैं ये वाला जो लेवल है माइनस 0.250, तो ये कौन से वाले फ्लोरिंग का है, इसमें लेवल दिख रहा होगा आसानी से देख लेंगे इसको। ये देखिए ये वाला लेवल, मतलब कि ये पूरे इस लेवल में ये वाला फ्लोरिंग आएगा, और जहाँ पर रूम है ये देखिए प्लस माइनस ये वाला फ्लोरिंग, मतलब अलग अलग फ्लोरिंग है, इसमें इस टाइप का उसमें इस टाइप का, इसको ज़्यादा मजबूती मतलब इसमें ज़्यादा मूवमेंट रहेगा हर एक चीज़ का, व्हीकल बाय जैसे लिख रहा है जहाँ पर व्हीकल आने वाला है, ठीक है जितना भी, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा लोड पड़ने वाला, तो इसका फ्लोरिंग अलग है, ठीक है। और इसके बाद अपन चलते हैं, देखिए कॉलम का लोकेशन हम लोग देख लिए थे कहाँ कहाँ कौन कौन सा कॉलम आएगा, विंडो देख लिए थे, इसमें चलते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या रूम। देखिए ये वाला विजिटर रूम्स हो गया, ये वाला साफ इंचार्ज रूम है, फॉल्स सीलिंग, और ये इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, ये लोबी है, ये कॉरिडोर है जो हम बात किए थे, वॉच रूम है, कंप्यूटर रूम, और फायर फाइटिंग एजेंट स्टोरेज रूम ये वाला हो गया, ठीक है। और इस ये वाला ये है रिपेयरिंग रूम, और बाकी सब कुछ नहीं है, बहुत सी इक्विपमेंट स्टोरेज इधर से, इधर ये रेस्ट रूम हो गया, और ये प्रोटेक्टिव क्लोथिंग लॉकर रूम हो गया, ठीक है जो फायर मैन पहनते हैं वाला पर्सनल लॉकर हो गया, उन्हीं का कम्युनिकेशन इक्विपमेंट रूम, ये वाला देख लीजिए सीढ़ी है अपना, बाथरूम उसमें भी दिख रहा था, और बाकी ये अप है, और ये वाला उसमें पता नहीं चल रहा था ये रैम दिया है, यहाँ से 2 मीटर अगर जाएंगे तो ये वाला रैम बन रहा है 1/ कितने का देखते हैं इसको, 1/6 का इसमें रैम्प दिया है, रैम्प ऑफ है ना, यहाँ जैसे गाड़ी चढ़ के इधर आएगा व्हीकल बाय, और रैम्प ऑफ ये इधर से भी है सेम है ना, क्योंकि इधर भी अपना मेन गेट था और इधर से भी मेन गेट था, तो मेन गेट इधर से आने के लिए मेन गेट था, तो यहाँ से भी आ सकता है और वहाँ से भी आ सकता है, और इसमें कुछ और दिया है तो देखते हैं। बाकी इसमें ग्रुपिंग दिया है, देखिए ये 13 नंबर का कॉलम ग्रुप है, 12 नंबर का, 11 नंबर का, इसी तरह से देखना रहता है, 9 नंबर का, इतना पूरा 9 नंबर का लाइन है, ये 8 नंबर का है, 7 नंबर का, यही सब देखते हैं। इधर से ए वाला, ये वाला अगर कॉलम हमको पढ़ना है ये वाला, ठीक है तो मान के चलिए ये वाला कॉलम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा A2, और वही ये वाला कॉलम पढ़ेंगे तो ये B और ये 2, उसी तरह से अगर ये वाला कॉलम पढ़ें तो D2, या इधर गए तो D3, इसी तरह से इसको पढ़ना रहता है, यही इसका रहता है मेन, और बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी और कुछ देखते हैं। उसी तरह बीम वगैरह को भी ऐसे शो करते हैं, तो ये कौन सा वाला बीम होगा, A A 1 2 दोनों के बीच में है ना, तो A 1, इसी तरह से इसको भी सेव करना रहता है, ठीक है इंजीनियर, ओके।